श्वेता अग्रवाल फ्लाई लाइव से एक बार फिर से आपसे रूबरू हो रही हूँ। मेरी तरफ से आप सबको तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसे ही सावन का महीना आता है, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो जाता है। हरियाली तीज भी सावन के महीने में ही मनाया जाता है। ये त्योहार महिलाएं रखती हैं, क्यों? मनचाहा वर पाने के लिए और सौभाग्य पाने के लिए। अब बात करते हैं इस व्रत को सबसे पहले रखा किसने। इस व्रत को सबसे पहले गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती जी ने रखा था, जिसके फलस्वरूप उन्हें भगवान शंकर पति रूप में मिले। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी, आप लोग भी तीज का व्रत जरूर रखें। क्या पता आपको भी आपका मनचाहा वर मिल जाए। कहा जाता है कि माता पार्वती ने घोर साधना की भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए। उन्होंने 107 बार जन्म भी लिया, लेकिन फिर भी वो भगवान शिव को पति रूप में ना पा सके। 108वीं बार जब उन्होंने जन्म लिया, तब उन्होंने हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में घोर तपस्या करी। पुराणों की मानी जाए शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अपनी पत्नी बनने का वरदान दिया। तो आप समझ पा रहे हैं ये जो व्रत है अपने आप में कितना कठोर और महत्वपूर्ण है। इस व्रत को कुवारी महिलाएं भी मनोवांछित वर पाने के लिए करती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हर त्योहार की कुछ ना कुछ रस्में होती हैं दोस्तों। तो ऐसे ही इस त्योहार में जैसे मेहंदी की रस्म होती है, इस दिन महिलाएं अपने हाथों में मेहंदी रचाती हैं और साथ साथ सुहागन महिलाएं जो होती हैं बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लेती हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, श्रवण मास चल रहा है, सावन का महीना है, तो झूले तो पड़ने ही हैं। तो इस त्योहार में झूला झूलने की भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रस्म है। आप चिंता मत कीजिए, मेरे साथ साथ आप सारी रस्में एंजॉय करेंगे। तो चलते रहिए मेरे साथ साथ। गुजारिश करूंगी कि गुड़िया का बाल जरूर खा ले, क्योंकि यार कल तो व्रत हो जाएगा, फिर आपको देख के मन ललचाएगा। मैं तो बहुत एंजॉय कर रही हूँ, तो आ जाइए मेरे साथ दिल्ली हाट में जनकपुरी। दोस्तों बात करें इस त्योहार की, ये भारत के कई भागों में मनाया जाता है। बात करें राजस्थान, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे इस त्योहार की कुछ अलग ही धूम आपको नजर आएगी। और इस व्रत की विधि कुछ अलग है, कुछ खास है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत रखती हैं। उस दिन उनके मायके से श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजा जाता है, और जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो सुबह के समय उठ के स्नान करके निर्जल व्रत रखती हैं और मंदिर जाने की प्रथा है, और शिव जी पार्वती जी की कथा भी सुनाई जाती है। पूजा के बाद
पंडित की कथा भी सुनाई जाती है, जिसके बाद ही महिलाएं अपना व्रत समाप्त करती हैं। और जैसे आपको पता है आज 2 अगस्त है और कल 3 अगस्त है, कल तीज धूमधाम से मनाई जाएगी। वैसे तीज का शुभ मुहूर्त 1:36 दोपहर का है, मगर अपने नियर बाय पंडितों से आप ज़रूर कंसर्न एक बार करें। ये तो मेरा बताया हुआ टाइम है जो हमने गूगल पे सर्च आउट किया है, और आज मेहंदी ज़रूर लगाएं। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? बिल्कुल, और मेरे साथ बने रहिए, एक एक चीज़ को हम इंजॉय करते चलेंगे और चल रहे हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जैसे यहाँ पर है कैमल राइड, गन शॉट। तो मेरा यकीन मानिए आप जरूर आए, एक बार बचपन की यादें तरलताजा हो जाएंगी। Guys, please do like, share, subscribe, comment in the comment box. और बात रही मेहंदी की, जितनी खूबसूरत ये मेहंदी है उतनी ही रीजनेबल इसका प्राइस है। प्राइस मैं आपको बताऊंगी, सब मैं ही बता दूंगी, तो आप लोग यहाँ पे आके क्या करेंगे यार। प्लीज आइए, मेहंदी जरूर लगवाइए, और उम्मीद करती हूँ आपको ये तीज राखी फेस्टिवल मेरे साथ बहुत मजा आया होगा। आप भी इंजॉय करना चाहते हैं तो दिल्ली हाट जनकपुरी जरूर आए, भूले तो नहीं, जहाँ पे हमने मैंगो फेस्टिवल कवर किया था। और इसकी डेट है 2-3-4 अगस्त, 11 AM till 9 PM। सो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।